Alvida hai
देखिए ऐसा है, देखिए अब जिस शाम जो बैठ गए उसको इनाम नहीं देना है वही मेजबान है, तो अब उसकी बारी है। तो मैं चाहूंगा कि डेढ़ बजते बजते ये हमारा काम दो बजे तक का वक्त दिया गया है, तो मैं चाहूंगा कि तलारे काफला फारूक इंजीनियर साहब रसूलपुर के और हम नवा के साथ आ जाएं और अपने कलाम से वो नवाजें। देखिए कितने खुश नसीब है ये कि इन्हीं का गांव है, इन्हीं का घर है, इन्हीं का दरवाज़ा है, इन्हीं की माँ की दुआएं हैं, दीदी सब सुनती होंगी, आलिया मोहतरमा भी सुनती होंगी, बच्चे भी सुनते होंगे। और याद रखेंगे कि हमारे दरवाजे पर हमारे पापा ने बहुत अच्छा पढ़ा था, ये कितनी बड़ी बात है, ये बहुत खुशनसीबी की बात है। अमृतलाल भाई का नाम मैं इसलिए नहीं लेता हूँ कि उन्होंने सख्ती से मना किया था कि खबरदार खबरदार सब कहना मेरे बारे में मत कर, लाजा मैं खून कर दूँ उनके बारे में नहीं कर रहा। और ये जरूर चाहूँगा कि अल्लाह ताला चाहे जैसे भी हो, चाहे तुम कुछ भी क्यों न करें, लेकिन रात के अंधेरे में दिन के उजाले में जानबूझ कर अनजाने में जहाँ तक सतर्क होता है सबकी मदद करता है। और यही बहुत बड़ी बात है, और आइए और यही बहुत बड़ी बात है कि गांव वालों के साथ है, ये उसकी खास पहचान है। मैं इसीलिए खुश रहता हूँ कि चलिए कुछ लोग ऐसे भी हैं लाजा रसूलपुर मेजबान है, आज अपना हक अदा कर रहा है। होने से जो थे उस साइड से जगरा कह दें थे उस साइड से जो लाल बब्बू ला के बैठे थे जो जगह नहीं कोई खड़ा कुर्सी पे बैठ के कर कुर्सी पे। अस्सलाम वालेकुम। और रजाइया कलाम जो फारूक सिवानी का है आप सबके सामने पेश कर रहा हूँ। अरे माहे फैज माहे दरख्शां अभी न जा तस्कीन कल्बो रूह के सामा अभी न जा माहे फैज माहे
मस्किन कल्ब रूह के समा भी न जा ए माए फैज माए दरमसा अभी न जा मस्किन कल्ब रूह के समा अजमत करे बयां दुनिया में कोई क्या तेरी अजमत करे बयां दुनिया में कोई क्या तेरी अजमत करे बयां कुरान तुझसे ये शम्स ये कमर ये शम्स ये कमर ये सितारे ये तुर्गु होशाम ये शम्स ये कमर ये नजारे ये तुर्गु होशाम ये शम्स ये कमर ये सितारे ये सुबह शाम कहते हैं रोज शब के नजारे तुझे सलाम फारूक से छोड़ा के तू दामा अभी न जा ये देखिए ये पाकिस्तान से बड़े दम दंगे कलाम को पेश किया और